खबर रीवा से है, जहां मुंबई से मिर्जापुर जा रहे युवकों के ऊपर चाकू से हमला हो गया। उक्त हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मैहर रेलवे स्टेशन के पहले की बताई जाती है। घायल दीपक द्विवेदी लालगंज मिर्जापुर का रहने वाला है, जो अपने साथी हिमांशु, इमरान और शुभम के साथ गृहग्राम मिर्जापुर जा रहा था। ट्रेन जैसे ही मैहर पहले पहुंची, तभी हिमांशु के ऊपर आरोपियों ने पानी गिरा दिया। पानी गिरने को लेकर कहासुनी हुई और बात इतनी बढ़ी कि आरोपी अपने पास रखा चाकू दीपक के पेट में घोंप दिया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी जीआरपी पुलिस को दी गई तो जीआरपी पुलिस मैहर में घायल को उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां से घायल को संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घायल के साथियों ने बताया कि एक आरोपी भाग रहा था, जिसे यात्रियों और जीआरपी पुलिस की मदद से पकड़ लिया गया है, जबकि दो भागने में सफल हो गए। बताया जाता है कि घायल को मैहर से रीवा लाने में भी 4,000 रुपये निजी एम्बुलेंस वाले ने वसूल लिए। आइए सुनते हैं पूरी घटना को लेकर घायल दीपक के साथी शुभम ने क्या जानकारी दी है। और हम लोग मुंबई से अपने गांव मिर्जापुर वापस जा रहे थे। रास्ते में मैहर के करीब एक लड़का हमारे साथ रहने वाला दीपक दुबे को पेट में चाकू मार दिया। तो दीपक दुबे के पेट में चाकू मारने से वो गंभीर हालत में पड़ा हुआ है। उसको हम लोग मैहर करीब पहुंचने पर सिविल हॉस्पिटल में, मैहर के एक सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। वहाँ पे जीआरपी पुलिस आई है। जीआरपी पुलिस आने के बाद वहाँ से इसको संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा के लिए रेफ़र किया गया है, और उन्होंने प्राइवेट एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ भेजा था और बोला था कि 4,000 रुपये एम्बुलेंस वाले को दे देना। एम्बुलेंस वाले भी 4,000 ले लिए मैहर से रीवा के लिए। और आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? जी हम लोग लालगंज मिर्जापुर के रहने वाले हैं। घटना कैसे क्या हुई? घटना कुछ नहीं हुई थी, सब लोग आ रहे थे, तो ये हमारे साथ में हिमांशु था, साथ में इमरान भाई थे, सब लोग साथ में ही थे, आ रहे थे। तो हिमांशु के ऊपर उन्होंने पानी गिरा दिया, जिसमें दीपक बोल पड़ा कि ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो, क्यों किसी के साथ गलत कर रहे हो। हाँ, तो फिर वो बोला कि हम कुछ भी करेंगे, और इतना बोलते हुए पेट में चाकू मार दिया। वो लोग कितने लोग थे? वो कौन चाकू मारने वाले? वो लोग 3 लोग थे। पकड़े गए कि नहीं? तो एक पकड़ा गया है। भाग रहा था गेट पे से, उसको पकड़े, मारा था। अभी आप यहाँ कहाँ हैं? यहाँ हम संजय गांधी हॉस्पिटल में हैं, लेके एडमिट किए हैं दीपक दुबे को। दीपक दुबे की हालत एकदम गंभीर होते जा रही है।